हमको एक शॉप मिल गई थी मिठाई की, जो नहीं लग रहा था कि खुली होगी, बट फॉर्चुनेटली वो खुली थी, सो हमने वहाँ से मिठाई ले लिया। तो अब हम जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। वेलकम टू माई वीडियो, वेलकम टू माई चैनल दृष्टि गरेवाल ब्लॉग्स, और ये है ब्लॉग नंबर 2 आफ्टर मैरिज। सो आई जस्ट गॉट रेडी एज यू कैन सी, बिकॉज शादी के ऑलमोस्ट आई थिंक आज 14th हो गई है, और 14th है 13th है, जो भी है काफ़ी डेज हो गए हैं। तो कुछ हमारे रीति रिवाज थे जो पेंडिंग थे, सो आज हम जा रहे हैं वो करने के लिए, और फिर गऊदान करने भी जाना है। और मेरे कुछ कपड़े हैं जो अनस्टिच्ड हैं, वो मुझे स्टिचिंग के लिए देने, क्योंकि मैं इतने हैवी हैवी सूट नहीं पहन सकती इतनी गर्मी में, और भी घर के अंदर। सो कुछ सिंपल सूट्स हैं मेरे, तो मैं भी जा रही हूँ स्टिचिंग के लिए देने के लिए। सो और उससे पहले अभी के लिए ऑमलेट बनाना है, क्योंकि अभी रेडी हो रहे हैं, और मैं आपको मिलती हूँ ऑमलेट बनाने के बाद। मसाला और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि अभी ज़्यादा स्पाइसी खाते नहीं हैं, तो सब कुछ थोड़ा थोड़ा डालना पड़ेगा। और 5 अंडे का ऑमलेट है ये, चलो ऑमलेट बनाते हैं। और अभी मैं अपने कुछ अनस्टिच जो है क्लोथ्स वो निकालूंगी, सूट्स जो है मुझे शादी के बाद जो मिले हैं सिंपल वाले वो मैं निकालूंगी, क्योंकि वो मैं अभी स्टिचिंग के लिए देने जा रही हूँ, क्योंकि इतने हैवी सूट्स मैं नहीं पहन सकती थी गर्मी में, बहुत गर्मी लगती है बॉस। सो अभी मैं वो निकाल के सोफिया को देने जाऊँगी, क्योंकि बाकी जितने भी क्लोथ्स हैं मेरे वो सारे सोफिया ने स्टिच किए हैं। मैंने अभी तक अपना सामान अनपैक नहीं किया है, क्योंकि टाइम नहीं लगा। दादी जी की सलवार में चढ़ाने हैं, सो वही प्रिपेयर हो रहा है। कितना सो से यम्मी यम्मी। सो हमको एक शॉप मिल गई थी मिठाई की, जो नहीं लग रहा था कि खुली होगी, बट फॉर्चुनेटली वो खुली थी, सो हमने वहाँ से मिठाई ले लिया। तो अब हम जा रहे हैं माथा टेकने के लिए। सो ये है पटियाला का सबसे फेमस काली माता जी का मंदिर, और हम लोग यहाँ पर अभी आए हैं गौ माता जी को दान देने, जो कि शादी के बाद एक से रिचुअल है। पिछली मैं कहते हैं इतनी पार्क कर देंगे। पटियाला का गौशाला, अगर कोई भी यहाँ पर आ करना चाहता है तो यहाँ पर आ सकता है। चुके हैं
इंदर फार्म। चलो सेल्फ सर्विस। कट गई ना फसल। सो ये है हमारा फार्म और अभी हम जा रहे हैं दादी जी की समाधि पे मत्था टेकने के लिए। या अंब लगे हो या है ना। ओ और ये है हमारे आम के बाग। पर ये तो तोड़ के क्यों नहीं फिर कर दें देने के। इन्ने सारे लगे हुए हैं यार। इन्हें कहो कि सानू दया करिए ना निका। अच्छा जिन्हों आप की कहने होंगे सिरी है ना। सो यस और थ्री फॉर्म्स सत श्रीकाल जी। गिर गुर जाते नहीं बस सो हम लोग अभी दादी जी की समाधि पे मत्था टेक के आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं। मेरे दादा जी दे अगे दादी जी ठीक है इन्हों पिंड साढ़े बहुत मनिया जाता जी। कहते हाथ च इन्हों बख्शीश सी किसी कोई बीमारी या कुछ सीगा हाथ रख देंगे सी तो ठीक हो जाता सी। हुण इंद्रपुरा यह पिंड पैंदा ते जिन्हें भी लोग इत्थे हैगे पिंड वाले वो सारे इत्थे आके मत्था टेकते हैं दिवाली ते दसवीं ते आके उन्हां दी समाधि है। असली जिहड़ी समाधि है वो हैगी अग्गे अच्छा हवेली दे कोल पर उत्थे जाना बहुत औखा तो उत्थों कुछ इट्टां पट के असीं इत्थे करता सीगा। ते किन्ने सालां तों आपां कर रहे हां इह बयान बयान अच्छे से दर्शन भी हो गए। हम कितने चल रहे हैं पकौड़े लेन। सवे हम जाएंगे हरबंस दे पकौड़े संत दे पकौड़े। सो वी जस्ट गॉट बैक और काफ़ी थक गए हैं क्योंकि गर्मी भी बहुत थी और काफ़ी टाइम लग गया हमको। सो अभी थोड़ी देर बाद डिनर बनाऊंगी डिनर करेंगे। सो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक माय चैनल सब्सक्राइब माय चैनल और जिन्होंने किया उनको थैंक यू सो मच। जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करो साथ में बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले। सो अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में और मैं कोशिश करूंगी कि मैं थोड़ा रेगुलर बनाऊं व्लॉग्स पर बहुत डिफिकल्ट होता है इतना इजी नहीं होता डेली व्लॉग्स बनाना। मैं कोशिश करूंगी और आप ऐसे मुझे अपना प्यार देती रहिए जैसे अभी आपने मेरी पिछली वीडियोस को दिया है तो मुझे और यू नो थोड़ा मोटिवेशन होगा और वीडियोज़ बनाने का। सो बस ऐसे प्यार करती रहिए और मैं आपको ऐसे इंटरटेन करती रहूँगी और मैं ऐसी ऐसी नई वीडियोस डालती रहूँगी। चलो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय गुड नाइट।